कल हमने ने जो है कन्वर्जेंस देखे थे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत सारी क्वांटिटीज भी देखी थी हमने, क्या करना होता था कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर को हमें एक एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बहुत कम वैल्यू वाला होता है, बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है, जनरली वायर होता है, वायर लगा देते हैं। और ये भी देखा था कि अगर हम सबसे पहले हम रेंज डिफाइन कर देते हैं, तो एक बार रेंज डिफाइन कर ली तो कितने ओम का शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये हमने देखा। और सिर्फ शंट रेजिस्टेंस लगाने से काम नहीं बनता था, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका स्केल है, गैल्वेनोमीटर का स्केल होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता था कि हर गैल्वेनोमीटर की हर एक रीडिंग को जो वो गैल्वेनोमीटर दे रहा था उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। फिर हमने फिगर ऑफ मेरिट भी निकाला था, गैल्वेनोमीटर का कितना होता है और जब मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ उसे एमीटर में कितना होता है, फिगर ऑफ मेरिट। वैसे ही हमने वोल्ट मीटर में देखा था। वोल्ट मीटर में क्या था कि अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लगाते थे, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते थे, ठीक है। तो और सेम चीज हमने यहाँ पे देखी थी, कितना जो है उसका फिगर ऑफ मेरिट होता है बिफोर कन्वर्जन, पहले कितना होता है उसका बाद में होता है, ये सब हमने देखा था। और क्वेश्चंस भी किए थे कुछ, एक दो न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे। आज देखते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टाइप का न्यूमेरिकल करा सकूं जो भी आया हुआ है अभी तक। देन वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ कीजिए, ठीक है। कॉपी है आपके पास, कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है, ठीक है, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट है इसे क्या बोलते हैं, आईजी बोलते हैं। ये कितना है, 1 मिली एम्पियर, 10^-3 एम्पियर पासिंग थ्रू इट। पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर। रेंज दे रखी है तो इसमें जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1 एम्पियर। तो आपको क्या बताना है, कितना शंट रेजिस्टेंस लगाऊं, बताइए जरा क्या आंसर है। शंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, बहुत बढ़िया। इसे कैलकुलेट करके बताइए शंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो कितना है शंट रेजिस्टेंस, या डेफिनेटली वो आपको देखना पड़ेगा कि निग्लेक्ट कर पा रहा हूँ। 1 के कंपैरिजन में 0.001 बहुत छोटा होता है, तो निग्लेक्ट कर दो, डायरेक्टली आंसर आ गया आपका। अगर निग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर करना है, ठीक है ना। 10^-3 × 100, 0.1 ओम आंसर है, इतना शंट रेजिस्टेंस लगाना है आपको, ठीक है। बी आंसर है, पूछा है फिगर ऑफ मेरिट भी बताओ बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन। पहले तो गैल्वेनोमीटर का बताओ, बिफोर कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर की तरह काम कर रहा था, केजी बताओ, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा, इसमें नहीं दे रखे ना, नंबर ऑफ डिविजन्स नहीं दे रखे, यहाँ लिख लेना, बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ डिवीजन
30 है, 60 ले लो चलो, ठीक है ना, बेटर ही है 60 ले लो। चलो बताइए गैल्वेनोमीटर कितना देगा, हर एक डिवीजन में कितना करंट दिखाएगा, इसका आईजी कितना है। हाँ तो आईजी बाय एन, तो आईजी ये जो सबसे लास्ट वाला है, जो इसका डिवीजन है, अगर वहां पे पॉइंटर चले जाता तो ये दिखाएगा 10^-3, और 60 डिवीजन है इसका कितना आ गया, 1/60 मिली एम्पियर पर डिवीजन, इतना भी लिख दोगे मोर देन इनफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए एमीटर का, एमीटर कितना दिखाएगा बताएगा कोई, 68 डिवीजन पे कितना करंट मेजर करेगा वो। बहुत बढ़िया, 1 आई कर देगा ना, आई बाय एन हो गया, तो 1/60 एम्पियर पर डिवीजन हो गया, ठीक है, हो गया। ये बस यही करना था, ठीक है। अच्छा कई बार ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी पूछ लेते हैं कि बताओ व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, पूछ लेंगे कई बार, कौन बताएगा क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसके अक्रॉस लगा हुआ है शंट रेजिस्टेंस कितने का, 0.1 ओम का, और ये 100 ओम का है, ये दोनों कैसे लगे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 100 × 0.1, 100 + 0.1, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.099 0.09 हो, ठीक है चलेगा, ठीक है। ये भी हो गया टोटल रेजिस्टेंस, कई बार ये भी पूछ लेंगे कि बताओ शंट रेजिस्टेंस से टोटल रेजिस्टेंस, टोटल शंट रेजिस्टेंस से, शंट रेजिस्टेंस से टोटल करंट का कितना पार्ट जाता है, तो टोटल करंट कितना आ रहा है आए, और उससे कितना गया ऊपर वाले से, कितना गया आए माइनस आईजी, तो कितना पार्ट गया होगा, पार्ट ऑफ करंट, ये सब एक ही में बता रहा हूं, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, पार्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे, जैसे अगर एंटर हो रहा है 10, ऊपर गया 5, तो आप क्या बोलोगे, 5/10, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, आप ऐसे सोचोगे कितना फ्रैक्शन ऊपर से चले गया, तो कितना गया शंट से, आई माइनस आई जी, किसका, आई का, दोनों का रेशियो ले लेना, दैट्स इट, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 1 - 0.001/1, तो ये कितना आ रहा है देखो जरा, 0.99 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉइंट नाइन नाइन आ रहा है, ठीक है। अब कितना परसेंट पास हुआ, परसेंटेज करंट 99%, ठीक है, पासिंग थ्रू, तो इसी को 0.99 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो कुछ नहीं, पॉइंट नाइन नाइन इंटू 100
देखिए ये सारे मतलब एक ही क्वेश्चन में मैंने काफी कुछ आपको बता दिया, ठीक है, पांच छह चीजें बता दी हैं, ठीक है। 1.9 NR, 0.99, नॉट 1.9, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर बता देता हूँ, ढंग से देना, थोड़े लेट ज्वाइन हुए कहीं तो फिर बता देता हूँ। चलिए वैसे भी मैं एक और क्वेश्चन अभी तो क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें क्लियरिटी आएगी, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखिए। चलिए आगे चलिए, चलिए बताइए। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 5 mA। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला जो करंट है उसे क्या बोलते हैं, आईजी। पूछ रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ रेंज ऑफ 0 to 15 वोल्ट, मतलब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए वोल्ट मीटर में जो कि 0 से लेके 15 वोल्ट तक अगर अप्लाई कर रहा हूं कोई भी वोल्टेज उसे मेजर कर पाए। तो वी यहाँ पे क्या हो गया, वी क्या होगा 15 वोल्ट, रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 15 वोल्ट है। तो सबसे पहले तो बताओ कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करना पड़ेगा बताएगा कि? सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा एक हाई वैल्यू का, बहुत हाई वैल्यू का, ठीक है। यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स 30 दे रखे हैं, तो एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कितना होती है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, V अपॉन IG माइनस G, बता दीजिए जरा क्या आंसर है। फिफ्टीन अपॉन 5 × 10⁻³ - 3 माइनस 50। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3000 - 50 2950। इतने ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देना तो आपका क्या बन जाएगा, गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए फिगर ऑफ मेरिट बताइए, गैल्वेनोमीटर की बताइए बस, पहले गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का क्या था कन्वर्जन से पहले, क्या था वो गैल्वेनोमीटर की तरह एक्ट कर रहा था, तो क्या होगा फिगर ऑफ मेरिट आईजी बाय एन, क्योंकि कन्वर्जन से पहले तो वो करंट मेजर कर रहा था ना, आईजी बाय एन कितना हो गया 5 × 10⁻³ - 3 मिली में ही निकाल लेना, बेटर ही है मिली में ही निकाल दो, 5/30 मिली एम्पीयर पर डिवीजन। वही ठीक है जो आपने किया ना, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/6 मिली एम्पियर पर डिवीजन, ये हो गया किसका गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट बताइए वोल्टमीटर का, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ वोल्ट मीटर। अच्छा कितना मेजर करेगा, 15 वोल्ट कर पाएगा, 15 वोल्ट तक कर पाएगा ना, तो क्या होगा V by N, जो तीसवा डिवीजन है वहां पे आप क्या लिख दोगे 15 वोल्ट, बस और कुछ नहीं है, तो 15/30 वोल्ट पर डिवीजन कितना आया
हाफ वोल्ट पर डिवीजन। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ वोल्ट मीटर बता दिया, गैल्वेमीटर भी बता दिया। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताएगा कोई क्या होगा यहाँ पे वोल्ट मीटर का? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और जो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है सीरीज में जो लगाया है, वो दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं, है ना। हाँ, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा? टू नाइन फाइव जीरो प्लस 50। ओके, तो देखिए इससे एक चीज पता चलती है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन ना, मैं आपको जब मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की शीट दूंगा ना आपको, उसमें जो है ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन मुझे बताएगा कि इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है? इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कि जितना ज्यादा रेंज आपको रखनी है, मतलब वोल्ट मीटर आप कन्वर्ट कर रहे हो ना गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, तो जितना ज्यादा रेंज का आप वोल्ट मीटर बनाना चाहोगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो समझ में आया? इमेजिन करो कि अगर मैं इसी को बोलता कि आप एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाओ जिसकी रेंज 0 से 100 वोल्ट तक है, तो अगर आप ढंग से देखोगे ना तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी। देखिए कितनी हो जाएगी, अब 100 बाय, यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है, तो समझ लेना इस चीज को। कितनी होगी देखिए, 100 आया समझ में कि नहीं आया? देखिए आपने रेंज बढ़ाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जितना ज्यादा रेंज का आपको वोल्ट मीटर बनाना है, अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाया जाए जिसकी रेंज सबसे ज्यादा है, कौन मुझे बताएगा कि अभी मैं वैसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको, अभी अभी यहीं पे पूछने वाला हूँ, ठीक है, पूछने वाला हूँ। अभी पहले मुझे ये बताओ कि एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना जिसकी रेंज इन्फाइनाइट है, सोचो, सोच के बताओ कि कितना रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगाना पड़ेगा। एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जिसकी रेंज इन्फाइनाइट है, वो कोई सा भी वोल्टेज मेजर कर पाए, उसकी रेंज इन्फाइनाइट है, सोचो कितना वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। रेंज बढ़ रही है ना, देखिए अब देखिए, अगर जब मैं 0 से एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना चाहता था जिसकी रेंज 0 से 15 वोल्ट है, कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ा? 2950। अब रेंज बढ़ाई 0 से 100 वोल्ट की, तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ा? 19950। अब मैं चाहता हूं कि रेंज हो जाए 0 से लेके इन्फिनिटी, कोई भी वोल्टेज हम मेजर कर ले, सोच के बताओ कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कौन बताएगा? यस, कितना रहे? इन्फिनाइट। तो यही होता है एक्चुअल में आइडियल वोल्टमीटर, ध्यान देना।
अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आइडियल वोल्ट मीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, पूरे वोल्ट मीटर का कितना हो गया रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, और उसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट, वो कहीं पे भी लगाओ वो क्या दे देगा, रीडिंग दे देगा, देगा कि नहीं? यस सर, इसकी रेंज ही कितनी है, 0 से 15, 0 से इन्फिनिटी है, इसकी तो रेंज ही इन्फाइनाइट है, यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दो, अगर उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1000 वोल्ट भी है तो ये मेजर करके देगा। लेकिन कमाल की चीज है कि इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा, यही तो कमाल की चीज है। सोचो तो जो चीज इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट जाएगी नहीं, तो इसलिए आइडियल वोल्ट मीटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बना ही नहीं सकते आप, ऐसा कोई वोल्ट मीटर नहीं बना सकते जिसकी रेंज इनफाइनाइट हो। बट हाँ, एक चीज आपको समझ में आ गई है कि जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाते हो वोल्ट मीटर की, जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। बात समझ में आई? नहीं आया समझ में? यस सर आया। चलिए, अगर आ गया है तो जरा मुझे इसका आंसर दे दीजिए। कई बार जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को, इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ही समझ लो। अगर समझ गए तो आप फिर मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा बट वो एमीटर से रिलेटेड होगा, तो ध्यान देना। एग्जाम्पल, इफ स्टूडेंट हैज गिवन 2 वोल्ट मीटर, वन हैविंग रेंज 1 मिली वोल्ट एंड अदर हैविंग रेंज इन किलो वोल्ट, विच वोल्ट मीटर हैज, विच वोल्ट मीटर विल ऑफर हायर रेजिस्टेंस। बताइए क्या आंसर, कॉन्सेप्चुअल है, कुछ नहीं, डाटा दिया ही नहीं है, तो बताइए क्या आंसर है। किलो वोल्ट सर साफ साफ कह रेजिस्टेंस दे, ऑफ किलो वोल्ट। क्योंकि तो एक की रेंज है मिली वोल्ट में, मिली मतलब 10^-3, और एक की है किलो मतलब 10^-3। अभी तो बताया कि कन्वर्जन तो कैसे किया होगा, उसे कन्वर्ट कैसे करवाया होगा, एक गैल्वेनोमीटर में ही कुछ छेड़छाड़ की थी ना, गैल्वेनोमीटर में ही एक रेजिस्टेंस लगाया तब जाके वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हुआ। अब जिसकी रेंज ज्यादा होती है, अभी बताया था जिसकी रेंज ज्यादा होती है, जिस वोल्ट मीटर की रेंज ज्यादा होती है उसमें ज्यादा हायर वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस लगाया हुआ आपने, तो किलो वोल्ट में, किलो वोल्ट का जो रेजिस्टेंस है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज मोर देन मिली वोल्ट, किलो वोल्ट इज द आंसर, कुछ नहीं है उसमें। क्या बात आ गई समझ में? यस सर। वैसे ही मिली वोल्ट में भी होता है, वैसे ही एमीटर में भी होता है, एमीटर का ही बता देता हूँ ठीक है, ताकि क्लियरिटी हो, ठीक है, एमीटर का ही बता देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है इस क्वेश्चन में मैंने कन्वर्ट किया था किसको, एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया किसमें, एमीटर में, जिसकी रेंज है 0 to 1 एम्पियर, तो उसके पैरेलल में मुझे कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा था, 0.1 ओम, दिख रहा है सभी को?
यस सर। अगर मैं आपसे इसी में बोलता कि बताओ अगर मैंने रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी, अगर रेंज यहीं पे बता रहा हूं ठीक है ना, रेंज 0 to 10 एम्पेयर कर देता, मान लीजिए मैं एक ऐसा एमीटर बनाना चाहता हूँ जिसकी रेंज मैंने 10 गुना बढ़ा दी है पहले के मुकाबले में, इसके मुकाबले में देखो 0 to 1 एम्पेयर के मुकाबले में मैंने कितना कर दिया, 0 to 10 एम्पेयर, मतलब रेंज इसकी 10 गुना बढ़ा दी है। अब ये 0 से लेकर 10 एम्पेयर के बीच में मेजर कर सकता है, तो कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा बताएगा कोई? कितना लगाना पड़ता? कितना लगाना पड़ रहा है? आया समझ में? अरे इसी फॉर्मूले में बस 1 की जगह क्या कर दिया मैंने, 10 कर दिया बस, और कुछ नहीं है। और 10 जैसे ही किया तो 10 - 0.01 तो 10 ही हो जाएगा, 1 0 ऊपर से कैंसिल आउट हुआ तो आ गया आंसर 0.01 ओम। पहले कितना लगाना पड़ रहा था? 0.1 ओम। अब कितना लगाना पड़ रहा है? 0.01 ओम। मुझे बताओ रेंज जब बढ़ती है किसी भी गैल्वेनोमीटर, मान लीजिए आप एक एमीटर बनाना चाहते हो, चलिए अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे बताओ मेरे पास 2 एमीटर है, यहीं से देखिए, इफ अ स्टूडेंट हैज गिवन 2 एमीटर, आप मुझे बताना आंसर क्या होगा। 2 एमीटर, 1 मेजर द करंट इन मिली एमीटर, एक ऐसा एमीटर है जो मिली एमीटर में मेजर कर पाता है, एंड अदर मेजर इन मिली एम्पियर, सॉरी नॉट एमीटर, मिली एम्पियर। वन मेजर द करंट इन मिली एम्पियर एंड अदर मेजर इन एम्पियर, तो मुझे बताओ देन विच एमीटर ऑफर्स लोअर रेजिस्टेंस, सोचो क्या आंसर होगा। कौन बताएगा क्या आंसर है? यस सवाल है, बहुत बढ़िया है। एमीटर यहाँ उल्टा हो जाता है, कैसे देखिए पता चलता है, यहां से ही पता चलता है, जब आपने रेंज बढ़ाई, देखिए जो पहले वाला जो एमीटर था उसकी रेंज कितनी थी, 0 से 1 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर को अगर आपको कम रेंज के वोल्ट मीटर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पैरेलल में कम रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, देखिए 0 to 1 एम्पियर में कन्वर्ट करना है आपको, रेंज इसकी कम है, देखिए 0 to 1 एम्पियर के बीच में ये मेजर कर सकता है, तो आपको लगाना पड़ रहा था
पॉइंट वन ओम। जैसे ही आपने रेंज बढ़ाई, रेंज कितनी कर दी, 0 to 10 ओम कर दी, तो पता चला कि शंट रेजिस्टेंस जो लगाना पड़ रहा है और कम लगाना पड़ता है, पॉइंट वन। तो अगर मैं आपसे पूछता इस एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है इस एमीटर का, तो आपका आंसर क्या होता, आप क्या बोलते कि सर गैल्वेनोमीटर का 50 हो गया और शंट रेजिस्टेंस आपने 0.01 पैरेलल में लगाया है, तो कितना आ गया, पैरेलल में लगा हुआ है तो इतना आ जाएगा आपका 0.5/50। ये तो बहुत कम है, तो बहुत कम हो गया। अगर आप देखोगे तो ये लगभग 1/100 है, 1/100 कितना होता है, 0.1 ओम। पहले इफेक्टिव आ रहा था 0.99, अब कितना आ रहा है, 0.01। मतलब जो पहले वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला जिसकी रेंज है 0 to 1 एम्पियर, 0 to 1 एम्पियर, ये एमीटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 0.09, ठीक है ना, 0.09, सॉरी ये दिखा नहीं मैंने, 0.09 कर रहा था, और ये कितना कर रहा है, 0.01। अब देखो जितनी ज्यादा रेंज, जिस एमीटर की जितनी ज्यादा रेंज उतना ही वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उल्टा होता है, ध्यान देना ही। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला, हाँ जी, जिस एमीटर की जितनी ज्यादा रेंज उतना ही वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो किसका आंसर मतलब इस केस में किसका आंसर सही है, कौन सा सही है, मिली एमीटर की एमीटर, रेंज किसकी ज्यादा, एमीटर, एमीटर की है, तो एमीटर इज द आंसर, ठीक है ना, यहाँ पे एमीटर विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस, ये है कमाल की चीज, उल्टा होता है। वोल्टमीटर में क्या होता है, जितनी ज्यादा रेंज उतना ज्यादा वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एमीटर में उल्टा है, एमीटर में क्या होता है, जिस एमीटर का जितना ज्यादा रेंज होगा वो उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये चीज समझ लेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ है एक्चुअल में, ये समझ में आ गए ना सारे के सारे। अब थोड़े अलग टाइप के करवा रहा हूं, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, चलिए समझ के करना, अब क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखते जाओ एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक गैल्वेनोमीटर है विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 0.006 एम्पियर, मतलब ये जो आईजी है, आईजी दे रखा है ये 0.006 एम्पियर, ये कितना होगा, 6 मिली एम्पियर, ठीक है ना, 6 मिली एम्पियर। पूछ रहा है बाय कनेक्टिंग इट टू 4990 रेजिस्टेंस, अब खुद सोच के बताओ इतना ज्यादा रेजिस्टेंस कहां लगा होगा, किसमें कन्वर्ट किया होगा, ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया होगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो सीरीज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय कनेक्टिंग इट टू 4990 ओम, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 30 वोल्ट। इफ कनेक्टेड टू 2N/249 ओम रेजिस्टेंस, इट बिकेम एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0 to 1.5 एम्पियर। तो पूछा है बताओ एन की वैल्यू कितनी होगी, तो पहला केस ले लेंगे, पहला केस क्या है, कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें आपने अगर रेजिस्टेंस लगाया कितना, तो ये एक वोल्टमीटर हो जाएगा, दिस इज अ वोल्टमीटर, ये एक वोल्टमीटर की तरह काम करेगा, जिसकी रेंज है 0 to 30 वोल्ट। अगर मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी मान लेता हूं, तो यहां से मैं जी निकाल पाऊंगा, यहां से निकाल दूंगा, ठीक है, क्या दिया हुआ देखिए क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या था, R था V अपॉन IG माइनस G,
मुझे क्या क्या दे रखा है, आर दे रखा है, कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाया मैंने 4990, वी दे रखा है ये कन्वर्ट कितने का हुआ 30 का, और आईजी दे रखा है, आईजी है 6 × 10⁻³। तो यहां से जी निकल जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। कौन बताएगा कितना आ रहा है? यस कितना है? आई थिंक 10 ओम आया है, देखिए 10 ओम आ गया, हो गया मेरा काम। अब क्या बोला? अब उसने बोला कि अगर मैं अगर इफ इट इज कनेक्टेड टू दिस रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्टेंस, इट बिकम एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1.5 एम्पीयर। अब सोच के बताओ, अगर इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये रेजिस्टेंस कैसे लगा होगा? पैरेलल, पैरेलल में, बहुत बढ़िया। तो पैरेलल में क्या करो, ये रेजिस्टेंस लगा दो 2N/249 ओम। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये है शंट रेजिस्टेंस बेसिकली जो लगाया। तो ये आपका क्या बन गया, ये एक एमीटर बन गया जिसकी रेंज कितनी है 0 to 1.5 एम्पीयर। तो कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना होता है? शंट रेजिस्टेंस लगाना होता है आई जी जी आई माइनस आई जी। तो यहां से बस आप इसमें डाल दो सारी वैल्यू और आपको जो है क्या पता चल जाएगा, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये एस जो है ये कितना है 2N/249, Ig कितना था, Ig था 6 × 10⁻³। ठीक है, इंटू 10, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 है, और ये है 1.5 माइनस 0.006। कौन बताएगा निकाल के n कितना रहा? बेटर यहाँ पे कि निगलेक्ट मत करना। क्यों नहीं निगलेक्ट करना? क्योंकि ये आंसर ना 2N/249 के फॉर्म में है, बड़ा अजीब सा आंसर आएगा वरना। ठीक है ना, आप कोशिश करना है कि इसे सॉल्व ही कर दो पूरा पूरा। सॉल्व करने का तरीका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे क्या करो, इसे लिख दो 6/1000, एलसीएम लो। थाउजेंड ऊपर जाएगा तो 60 बच गया ऊपर, यहां आ गया 1500 - 6, 60/1500 - 6 कितना होगा? ठीक है 5.01। तो साफ साफ पता चल रहा है इनकी वैल्यू 5 के करीब आ रही है। ठीक है, चलिए 1494। ठीक है, ये गया कितने से, 30 से, तो n की वैल्यू आई 30 × 249/1494। ये जहां तक मेरा ख्याल है ना 6 से जा रहा है, देखना जरा 6 से जा रहा है क्या। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया बेसिकली। आंसर समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करिए
क्या बोला है देखिए, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ 900 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम. एक गैल्वेनोमीटर है, आप ऐसे सोचो, जिसका 1000 ओम रेजिस्टेंस है, इसके साथ सीरीज में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया. सीरीज में जैसी रेजिस्टेंस लगाता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब अगर मैंने इसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसके अक्रॉस मान लीजिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, जैसे ही 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. अब आप मुझे बताओ कि कितना करंट फ्लो करेगा, ध्यान से समझना. जैसे ही 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं मैं, प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 100 फुल डिविजन्स इन गैल्वेनोमीटर. मतलब इस गैल्वेनोमीटर में 100 डिविजन्स है, तो फुल डिविजन्स दिखा रहा है, जो पॉइंटर है वो 100 डिविजन पे जाके रुक गया. बताओ, बताएगा वो कितना करंट जा रहा होगा इस पूरे अरेंजमेंट में, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, बताएगा कोई? आई जी अरे जा रहा होगा कि नहीं? यस सर. ऑब्वियसली बात है ना, तो साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि ये एकदम जो है, जैसे ही आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे पॉइंटर जो है फुल डिविजन्स दिखा रहा है. तो फुल डिविजन्स कितने है? उसके पास कितने डिविजन है? 100 है, तो 100 डिविजन है, तो फुल दिखा रहा है वो 100. तो यानी कि करंट कितना फ्लो कर रहा है? आईजी फ्लो कर रहा है. और ध्यान से समझना, मैंने कल ही आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर में अगर आप रेंज की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करते हो, वोल्ट मीटर है, जैसे वोल्ट मीटर बन गया ना, एक तरीके से वोल्ट मीटर बना, तो वोल्ट मीटर में जैसे ही आप रेंज की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करते हो, तो वोल्ट मीटर से कितना करंट फ्लो करता है? आईजी. तो ध्यान देना, ये जो 1 वोल्ट है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज है, या ये जो वोल्ट मीटर है, दिस वोल्ट मीटर इज ऑफ रेंज 0 to 1 volt, से ये पता चलता है. तो पूछ रहा है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर बताओ, तो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होती है, बताएगा कोई क्या था? आईजी बाय एन. आईजी निकल गया, एन दिया हुआ है, एन कितना है इस केस में? 100 है, दिया हुआ है ये ऑलरेडी. आईजी निकल गया, मेरा काम बन जाएगा. आईजी कैसे निकालेंगे? तो आईजी इस फॉर्मूले से निकाल लो, V इज इक्वल टू क्या था, आईजी जी प्लस, ये 1 है, आईजी जी प्लस आर, 100 प्लस 900, सो आईजी आपका कितना आ गया, 1/1000, दैट कम्स आउट टू बी 1 mA. ठीक है, तो करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 1 mA. तो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा? हाँ, क्या 10^-3 एम्पीयर ना? हाँ, ऑब्वियसली बात है ना, गैल्वेनोमीटर का पूछा है ना, वोल्ट मीटर का नहीं पूछा है. वोल्ट मीटर का ही बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर का भी आप बता सकते हो. ठीक है, तो आई जी बाई एन दैट कम्स आउट टू बी 10^-3/100 एम्पियर पर डिवीजन. तो आंसर आ रहा है आपका 10^-5 एम्पियर पर डिवीजन. और अगर आपसे पूछता क्या कि वोल्ट मीटर का कितना होगा, तो फिर आप क्या बोलोगे? V बाय N. V मतलब 1/100. ठीक है, तो यहां लिख देता हूं,
figure merit of voltmeter, that is V by N. 1/100 volt per division. दोनों का ही बता दिया. कुछ समझ में आया क्या? चलिए आगे चलते हैं. अच्छा यहां से ना एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ. देख अगर ये चीज समझ पाओ तो मुझे बताना कि इसका मतलब क्या. ठीक है ध्यान से समझना इस चीज को. आपको याद है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या था? थीटा बाय आई. ऑब्वियस सी बात है थीटा बाय आई ना, थीटा बाय आई. अच्छा देखिए थीटा बाय आई भी सेंसिटिविटी होती है. ठीक है और कई बार हम सेंसिटिविटी को ना डिविजन के रूप में भी कर देते हैं. जैसे ध्यान से समझना इस चीज को. इससे एक चीज पता चली, जब आपने गैल्वेनोमीटर को देखा तो आपको पता चला कि जब ये एक डिवीजन, इसका जो पॉइंटर है वो एक डिवीजन आगे जाएगा तो ये कितना एम्पियर करंट मेजर करेगा? 10^-5. ऑब्वियस सी बात है. आया समझ में कि नहीं आया? इसका उल्टा मैं पूछ रहा हूं. इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है कि अगर गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो मुझे बताओ कि पॉइंटर कौन से डिवीजन पर रुकेगा. सोचो. समझ में आया मैंने क्या बोला? एक डिवीजन पे वो कितना मेजर कर रहा है? 10^-5 एम्पियर. तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 एम्पियर अगर गैल्वेनोमीटर में घुस जाए तो पॉइंटर कौन से डिवीजन पे रुकता? तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ आया समझ में? अरे समझ में आया क्या? यस सर. उल्टा उल्टा देखो आप. उल्टा समझने की कोशिश करो. उल्टा समझने की कोशिश करो. एक डिवीजन पे पॉइंटर मेजर कर रहा है कितना? 10^-5 एम्पियर. मैं उल्टा पूछ रहा हूं, ये 1 एम्पियर कौन से डिवीजन पे मेजर करके दिखाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका उल्टा कर दो. तो ध्यान से समझना, ये भी सेंसिटिविटी हो जाती है कई बार. क्या? कि अगर एक एमीटर करंट फ्लो करे गैल्वेनोमीटर में तो कौन से डिवीजन पे जाके जो है, कौन से डिवीजन पे स्केल रुक रहा है, आपका पॉइंटर रुक रहा है? कहने का मतलब ये. तो ध्यान से समझना, कई बार सेंसिटिविटी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता. हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं. क्या? रेसिप्रोकल ऑफ फिगर ऑफ मेरिट. तो ध्यान से समझना इस चीज को. सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कई बार क्या हो जाती है, 1/फिगर ऑफ मेरिट. यहाँ पे थीटा के टर्म्स में नहीं देख रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, डिवीजन के टर्म्स में देख रहा हूँ. ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान देना है. वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगी तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने फिगर ऑफ मेरिट ऑफ वोल्ट मीटर निकाला ना, कि एक डिवीजन पे कितना मेजर कर रहा है, 10^-2 वोल्ट. ठीक है, एक डिवीजन पे 10^-2 वोल्ट कर रहा है. अगर मैं आपसे बोलूं, उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछूं, कि 1 वोल्ट कितने डिवीजन पे मेजर करेगा, क्या आंसर होगा बताएगा कोई? अगर 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया जाए तो कौन से डिवीजन पे मेजर करता? ये
ये वोल्ट मीटर कौन से डिवीजन पे मेजर करता? 100, बहुत बढ़िया, उल्टा रेसिप्रोकल है, ध्यान देना। तो सेंसिटिविटी ऑफ कन्वर्टेड वोल्ट मीटर होगी इनवर्स ऑफ फिगर ऑफ मेरिट ऑफ, ध्यान देना जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, जब ये आपका एक्सपेरिमेंट करवाएंगे ना आपके स्कूल में, ये सब बताएंगे, ध्यान देना। अगर आपको पहले से ही आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप समझ लोगे ये सब चीज। आपको दोनों ही चीजें निकलवानी, वहां पे निकलवाई जाएंगी, ध्यान देना। दोनों चीजें निकलवाने के लिए बोलते हैं, बताओ सेंसिटिविटी कितनी है। सेंसिटिविटी आप साफ साफ है, अगर आपने फिगर ऑफ मेरिट निकाल ली तो सेंसिटिविटी क्या है? ये सेंसिटिविटी थीटा के टर्म्स में नहीं है, ध्यान देना, एंगल के टर्म्स में नहीं है, ये डिविजन्स के टर्म्स में। तो डिविजन के टर्म्स में भी सेंसिटिविटी निकाल सकते हो, आपको बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया? अरे आया क्या समझ में? और कमाल की चीज है, एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, क्या, सेंसिटिविटी ऑफ कन्वर्टेड वोल्टमीटर एंड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको एक चीज पता चलती है, रेजिस्टेंस पता चल जाता है। देखिए यहां पे देखिए, ध्यान से समझना, अगर मैं सेंसिटिविटी ऑफ, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मैं केवी को फिगर ऑफ मेरिट ऑफ वोल्टमीटर को किससे डिवाइड कर दूं, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर से, कौन मुझे बताएगा क्या रहा है? अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, देखिए क्या रहा है, देखिए आपको एक चीज पता चलेगी, केवी कितना है 10^-2, और ये कितना है 10^-5। देखिए डिवीजन डिवीजन क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, कितना है आंसर ये? इन दोनों को डिवाइड नहीं करना है, इन दोनों को नहीं करना है, ठीक है, इन दोनों को नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया ना, किसको करना है मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, यहां तक आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन दोनों को नहीं करना है, इन दोनों से क्या पता चलेगा, इन दोनों से अगर आप इन दोनों से डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपको पता चलता है 10^3 आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, और 10^3 कितना है 1000, और 1000 कितना है, तो 1000 है G+R। ये चीज समझ में आ गई? आया समझ में कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये है कि आप इन दोनों को डिवाइड करते हो किसे, अगर आप केवी को फिगर ऑफ मेरिट ऑफ वोल्ट मीटर को किससे डिवाइड करते हो, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर से, तो आपको क्या पता चलता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कन्वर्टेड वोल्ट मीटर पता चल जाता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? अरे आया क्या समझ में? हाँ सर। और यही जो है, अगर मैं इसको मानूं IS और इसको मान लू VS, बेटर ये है कि आप ना फिगर ऑफ मेरिट के टर्म्स में लिखो। ऑब्वियसली बात है, अगर फिगर ऑफ मेरिट पता है तो आपको सेंसिटिविटी भी पता है। तो आप याद रखना ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लेते हो तो आपको क्या पता चलता है, क्या पता चल जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कन्वर्टेड वोल्ट मीटर। अब इसका यूज करेंगे, देखना अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका यूज आएगा। देखिए अब देखिए, नेक्स्ट लेके जा रहा हूं, देखिए यहां से आपको पता चलेगा, देखिए क्या होगा, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी कुछ पता कर पाओगे, आपको काफी कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, देखिए क्या है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, अ स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिवीजन। तो यहां पे एन दिया हुआ है 150। नाउ अब क्या बोला है, द गैल्वेनोमीटर हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। कौन मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है, ये क्या दे रखी है, इसका मतलब बताएगा कोई, क्या मतलब है इसका?
करंट सेंसिटिव दे रखी है, इसका मतलब है कि अगर इस गैल्वेनोमीटर में अगर आपने 1 mA फ्लो करवा दिया, आप ऐसे सोचो कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें आपने कितना करंट फ्लो करवा दिया, 1 mA, तो ये जो आपका पॉइंटर है ना यहां पे, पॉइंटर जो है कौन से डिवीजन पे रुकेगा बताएगा कोई? 10th डिवीजन। हाँ तो 10th डिवीजन यहां कहीं पड़ेगा, तो ये पॉइंटर जो है ना आपका यहां रुकेगा ऐसे। और ये कितना करंट मेजर करके देगा, तो 10th डिवीजन पे कितना होगा, 1 mA। तो ये 1 mA आपको मेजर करके देगा, इसका मतलब ये है, समझने की कोशिश करो। तो कौन मुझे बताएगा कि इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इस 1 mA 10 डिवीजन पर mA से मैं क्या निकाल सकता हूं, सोचो, सोच के बताओ मैं क्या निकाल सकता हूं कि 10th डिवीजन पे 1 mA दिखा रहा है, ठीक है? तो इससे पता चल जाएगा फिगर ऑफ मेरिट, क्या पता चलेगी बताओ, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, कौन बताएगा फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है? उल्टा, कुछ समझ में आया? हाँ सर। यानी कि ये एक डिवीजन पे, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके एक डिवीजन, जैसे ही ये पॉइंटर एक डिवीजन आगे बढ़ता है, ये जो गैल्वेनोमीटर, ये जो पॉइंटर है, ये एक डिवीजन जैसे ही आगे बढ़ेगा, तो ये कितना करंट मेजर करके देगा आपको, 1/10 mA। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो आपको याद होगा, ये भी मैंने पहले बताया था, ये तो गैल्वेनोमीटर का केजी है। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो आपका आईजी है वो आप निकाल सकते हो, याद करो, मैंने पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा, मैं ले जाता हूँ, मैंने कल ही आपको बताया था, कल क्या परसों बताया था, देखिए यहाँ बता ले जा रहा हूँ, ये देखिए, याद है किसी को ये फॉर्मूला? अगर आपको फिगर ऑफ मेरिट पता है तो नंबर ऑफ डिवीजन से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आईजी निकाल सकते हो, करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कौन बताएगा कैसे निकालेंगे? ये पर डिवीजन पे कितना करंट मेजर करके दे रहा है, 1/10 mA पर डिवीजन, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिए हुए हैं, 150। तो मुझे बताओ आईजी कितना आ गया, आ गया समझ में कि नहीं आया? अरे भाई आया या कि नहीं आया? यस सर। ये किसकी बात चल रही है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात चल रही है अभी, ठीक है ना? गैल्वेनोमीटर की जो जो चीजें दे रखी थी, करंट सेंसिटिव दी, ठीक है, कि 1 mA पे 10 डिवीजन पर mA है, इसका मतलब कि अगर इसमें 1 mA घुसता है तो ये 10th डिवीजन पे जाके रुकेगा। तो इसका उल्टा कर दोगे तो फिगर ऑफ मेरिट पता चल गया, मतलब करंट सेंसिटिविटी का उल्टा फिगर ऑफ मेरिट है। फिगर ऑफ मेरिट आपको बताएगा कि ये एक डिवीजन पे कितना करंट मेजर करेगा, दैट इज 1/10 mA। अब नंबर ऑफ डिविजन कितने दे रखे हैं, 150, तो मल्टीप्लाई कर दोगे इससे तो आपको क्या पता चल जाएगा, करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या दे रखा है ध्यान से समझना, एक एक चीज समझा रहा हूं आपको। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 2 डिवीजन पर mV। अब याद करो मैंने कल आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर को आप डायरेक्टली किससे, किस तरीके से काम कर सकते हो, डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को आप डायरेक्टली किस फॉर्म में यूज कर सकते हो, वोल्टमीटर के फॉर्म में भी कर सकते हो, याद है किसी को? यस सर। अभी कन्वर्जन नहीं किया मैंने, ध्यान देना, इसमें कन्वर्जन की बात ही नहीं हो रही है, इसमें बोला है कि इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी VS किसकी, गैल्वेनोमीटर की, कितनी है, 2 डिवीजन पर mV। क्यों
क्योंकि गैल्वेनोमीटर को मैं डायरेक्टली अगर वोल्ट मीटर के फॉर्म में यूज करना चाहता हूं, तो कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी आपको, क्या करना था बताएगा कोई? ये जो जीरो से लेके यहाँ पे 150वां डिवीजन है, तो ये जो पॉइंटर है जब यहाँ पे जाएगा तो कौन मुझे बताएगा कितना करंट मेजर करेगा ये? कौन बताएगा? जब ये पॉइंटर में आईजी फ्लो करता था, जब ये पॉइंटर यहां घुसेगा यहां पे बिल्कुल लास्ट डिवीजन पे जाएगा, तो ये कितना करंट मेजर करके दिखाएगा? अभी तो सॉल्व करवाया, कितना? 15 मिली एम्पियर ये मेजर करके दे देगा आपको। कुछ समझ में आया? यस सर। और अगर इसे मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूं, जी मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, ध्यान देना कन्वर्जन करना सिखाया था मैंने आपको, क्या था कि अगर मैं इसे जी से मल्टीप्लाई कर दूं और एम्पियर की जगह क्या लगा दूं, वोल्ट लगा दूं, तो ये कितना वोल्टेज मेजर कर पाएगा? ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कितना वोल्टेज मेजर करने में कैपेबल है? 15G मिली वोल्ट। इसका रेंज हो जाएगी, वो जाएगी जीरो से लेकिन 15G मिली वोल्ट। समझ में आ गया? ये बताया था पिछली बार, ठीक है ना, कल बताया था मैंने बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैंने गैल्वेनोमीटर की हर एक रीडिंग को सिर्फ गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया और एमीटर की जगह वोल्ट लिख दिया, तो ये एक वोल्ट मीटर की तरह भी काम कर पाएगा, बट इसकी रेंज बहुत कम होगी, ठीक है ना। अब इसकी रेंज ना एक तो यहां से निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसका उल्टा कर दो, सोचो इसका उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के टर्म्स में पता चलेगी। कौन बताएगा उल्टा क्या होगा? कुछ समझ में आया? उल्टा करने पे वोल्टेज के टर्म्स में आपको क्या मिलेगी? फिगर ऑफ मेरिट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अब गैल्वेनोमीटर करंट मेजर नहीं कर रहा, वोल्ट मेजर, वोल्ट में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। वोल्टेज के टर्म्स में आपको मिली, यानी कि इसकी जो फिगर ऑफ मेरिट है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज वो है 0.5 मिली वोल्ट पर डिवीजन। ठीक है, अब अगर मैं इसे नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान देना, मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपको कौन सी रीडिंग देगा? ये वाली वोल्टेज देगा, देखो 15G। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ये आपको क्या मेजर करके देगा? ये 15G मिली वोल्ट। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो यहां से? यहां से आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने समझाया इस तरीके से, वैसे तो मैं भी फॉर्मूला बता दूंगा आपको, डायरेक्टली फॉर्मूले से कर पाओगे। देखिए डिवीजन डिवीजन उड़ गया, मिली मिली उड़ गया, तो क्या आंसर आया? 15G इज इक्वल टू 150/2। क्लियर हुआ? यस सर। तो आपका जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता चल जाता है कितना आ गया, 5। बहुत बढ़िया, 5 ओम। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर इतना बड़ा कैलकुलेशन करके दिखाया, कुछ शॉर्ट करके दिखाइए, इतना बड़ा क्यों करके दिखाया? तो जो मैंने अभी बताया था मैं वही चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, बताइए क्या आ रहा है? डायरेक्टली डिवाइड कर दो, इस 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है बताओ? 2।
अरे 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा डायरेक्टली आपका, यस ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली कैसे निकालते हैं इन सब चीजों से, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर किसके इक्वल होता है, ध्यान देना, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को आप अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड कर दोगे, तो आपको डायरेक्टली क्या पता चल जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है ये जो दे रखी है ये बेसिकली वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है, जो मैंने आपको बताई थी ना, करंट सेंसिटिविटी बताई थी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बताई थी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ये है, ध्यान देना। वोल्टेज सेंसिटिविटी कब यूज होती है, जब आप गैल्वेनोमीटर को एज सिंपल वोल्ट मीटर की तरह यूज कर ले, तो जिसकी रेंज बहुत कम है, ठीक है। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी और ये हो गई आपकी करंट सेंसिटिविटी होगी। इन दोनों को डिवाइड कर दो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। लेकिन ये समझाने के लिए, ये पूरा को पूरा ना समझाने के लिए था ताकि आपको समझ में आए बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, डायरेक्टली मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, क्लियर हुआ, दोनों को डिवाइड करके समझ में आया मैंने क्या किया। यस, चलिए तो यहां तक तो अभी थोड़ा सा ही पार्ट खत्म हुआ है। कहां तक खत्म हुआ, यहां तक खत्म हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स सेंसिटिविटी टू 6 मिली एम्पियर पर डिवीजन, कौन मुझे बताएगा, मैंने जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ाई है कि घटाई है, पूछ रहा है रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स सेंसिटिविटी टू 6 एम्पियर पर डिवीजन। अब मुझे बताओ कि इसकी रेंज, जो अब नया वोल्ट मीटर बना रहा हूं, एमीटर बना रहा हूं, एमीटर बना रहा हूं, ध्यान देना, नया एमीटर बनाया, न्यू एमीटर है, वो कितना मेजर कर रहा है, एक डिवीजन पे कितना मेजर कर रहा है, सिक्स मिली एम्पियर कर रहा है, ध्यान देना, एक डिवीजन पे कितना मेजर कर रहा है, 6 मिली एम्पियर। तो कौन मुझे बताएगा कि 150वें डिवीजन पे कितना मेजर करके दिखाएगा, क्योंकि 150 डिवीजन है ना, तो कितना मेजर करके दिखाएगा, 6 into 150, that is 150 into 6 कितना है, 900, 900 मिली एम्पियर। अब मुझे बताओ कि पहले ये कितना मेजर कर रहा था, 150th डिवीजन पे कितना कर रहा था, 15 मिली एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर जब इसे एमीटर की तरह आप यूज कर, गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहे थे करंट मेजर करने के लिए, तो 150वें डिवीजन पे कितना कर रहा था, 15 मिली एम्पियर मेजर करके दिखा रहा था, अब कितना करके दिखा रहा है, 900 मिली एम्पियर। तो इसकी रेंज बढ़ा दी, बढ़ा दी कि नहीं, यस सर। अब मुझे बताओ रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मतलब आप इसे क्या कर रहे हो, आप इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो रेंज आप बढ़ा रहे हो, एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को रिड्यूस कैसे किया जाता है, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो, तो वही चीज पूछी हुई है और कुछ नहीं है। क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है कि क्या करना पड़ेगा, द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू चेंज द सेंसिटिविटी, तो आप पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाओगे, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी,
ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो न्यू एमिटर है उसकी रेंज कितनी है, ध्यान देना उसकी रेंज, यहाँ लिख दे रहा हूँ बैटरी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यू एमिटर रेंज इज 0 to, यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान देना, 150 × 6 mA, दैट इज 0 to 900 mA। बस हो गया मेरा काम, मैंने सब कुछ तो निकाल रखा है। आईजी कितना था, 15 × 10⁻³। जब इसे कन्वर्ट नहीं किया था तो जो ये मैक्सिमम करंट मेजर कर रहा था वो था आईजी, ठीक है। जी मैंने निकाल लिया 5, ठीक है, आई माइनस आईजी कर दो कितना है, 'Yes, कितना है, कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करो। ये शंट रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, तो इतना सेंटर रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा देना, आपका काम बन जाएगा। बस इतना ही था एक्चुअल में, ठीक है ना। वैसे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गए, बस इतना ही क्वेश्चन है, बट ये मैंने इसलिए बता दिया, इतना पार्ट आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि किससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है। 0.08 जो भी है, 0.08, ठीक है, 0.08 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा ढंग से देखना है, इस क्वेश्चन को ढंग से देखना है, ये थोड़ा सा अब अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अगर आपने इन क्वेश्चंस को समझ लिया है तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी क्वेश्चंस आप कर पाओगे, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे अगर आपने ये चीजें समझी हैं ढंग से। तो अब ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस, देखिए क्या बोला है, ढंग से समझना है इसको, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, देखिए क्या बोल रहा है वो। एक मिली एमीटर है जिसका रेंज है 10 mA, ये देखिए ये लगा हुआ है, ये और इसका रेजिस्टेंस है 9 ohm, ठीक है। इस जॉइंट इन सीरीज As shown in the figure, आप देखिए कैसे लगा रखा है, ये तो ना तीन टर्मिनल है, A, B and C। तो बोल रहा है वो, the meter gives full scale deflection for current I when A and B are used as its terminal। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे और यहां पे यूज करूं, ए और बी को टर्मिनल के फॉर्म में यूज करूं, और इसमें अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान देना, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो मिली एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ohm है, ये कितना करंट दिखाएगा, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। अब ध्यान से समझना इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज ही अगर आप ढंग से देखोगे तो ये एमीटर है, तो इसकी रेंज देखिए क्या है, अगर ये यहां से ही मेजर कर रहा है, मान लीजिए यहां से ही मेजर कर रहा है 0 volt, तो इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेके
10 मिली एम्पियर, ये चीज समझ में आई? यस सर। तो जैसे ही ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को, कि जैसे ही इसमें आई करंट फ्लो करेगा, यहां दिया हुआ है द मीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट आई व्हेन ए एंड बी आर यूज्ड एज द टर्मिनल। मतलब अगर ए और बी के अक्रॉस में आई करंट फ्लो कराऊं, इन दोनों टर्मिनल्स को यूज करूं सिर्फ, और इसमें आई करंट फ्लो करवाऊं, तो इसका जो पॉइंटर है वो खिसक के कहां पहुंच जाता है? यहां पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो आई गया तो यहां से कितना पार्ट गया होगा, ऊपर से बताओ कितना गया होगा, आई जी जो इसका फुल स्केल है, इसको मैं अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन को आई जी मान लू तो ऊपर गया आई जी, तो नीचे गया आई माइनस आई जी। ये पहली चीज पता चली जो मुझे क्वेश्चन से पता चल रही है। अब देखिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा, ध्यान से समझना। अगर आप ढंग से देखते हो तो करंट ना ये पाथ फॉलो कर रहा है। देखिए अगर आपने एक क्वेश्चन इसका समझ लिया ढंग से तो आप कर लोगे बाकी, वो फिर कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं, कैलकुलेशन कर पाते हो कि नहीं। ये देखिए ये आपका हो गया मिलीएमीटर, इससे आईजी फ्लो कर रहा है, और आईजी कितना है, आईजी है 10, ध्यान देना वो ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसे होता हुआ करंट ऐसे होता हुआ ऐसे जाएगा, देखिए क्योंकि सी पे कुछ कनेक्टेड नहीं है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे होता हुआ ऐसे, देखिए ऐसे जाएगा, ध्यान देना, आई ऊपर से गया आई जी, नीचे जाएगा आई माइनस आई जी, ये 0.1 ओम है, ये 0.9 ओम है, कुछ समझ में आया क्या किया है मैंने, क्या पाथ फॉलो करेगा, समझ में आए? यस सर। अच्छा इक्वेशन आप बताइए क्या बनेगी, अगर आप ढंग से समझते हो तो आपको पता चलता है कि जो मिली एमीटर है और ये 0.9 ओम है, ये कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, है ना? तो ऊपर जो एमीटर लगा हुआ है और 0.9 ओम लगा हुआ उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा, ध्यान देना सर, 9 और 0.9 सीरीज में लगे हुए हैं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, 9 प्लस 0.9 इनटू आईजी, ओम्स लॉ लगा रहा हूं बस, और कुछ है ही नहीं। देखिए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया ए और बी के अक्रॉस, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं इस फॉर्म में, इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से मैं चल रहा हूं, और कुछ है नहीं, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये पहली इक्वेशन पता चली, फिर क्या बोल रहा है, करंट एंटर्स एट ए एंड लीव्स एट बी, ठीक है बस इतना ही है, पूछ रहा है बताओ आई की वैल्यू क्या है, हो गया मेरा काम, आई जी ऑलरेडी दिया हुआ है, आई जी कितना है बताइए, 10 मिली एम्पियर दिया हुआ है ऑलरेडी वो क्वेश्चन में, इसका जो फुल स्केल वाला जो करंट है, फुल स्केल वाला करंट है वो कितना है, 10 मिली एम्पियर, साफ साफ दिया हुआ है, मिली एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 मिली एम्पियर, ये जो मिली एमीटर है वो मेजर ही कर सकता है 0 से 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर कहां रखा होगा, इसके कहां लिखा होगा, सबसे लास्ट डिवीजन पे लिखा होगा, और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि जब ए से एंटर कर रहा है आई तो ये अपने आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है 10 मिली एम्पियर और नीचे बचा हुआ जा रहा है, तो डाल दो बस और कुछ नहीं, वैल्यू डाल दो, 10 × 10⁻³ 9.9 I माइनस कौन मुझे बताएगा I कितना है सॉल्व करके, ये पॉइंट हटा ऊपर 99 आ गया, तो 99
कॉमन आ गया 10 × 10⁻³, यानी कि -2, अंदर बचा 99 + 1, दैट इज 100 × 10⁻²। सो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो 1 एम्पियर आंसर है। इतना करंट अगर एंटर किया ए से और बी से निकला तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देगा, मिली एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहूं तो देखिए ऐसे बना दूंगा। देखिए ये देखिए, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि ये यूज कहां करते हैं। किसी ने मल्टीमीटर देखा है क्या? नो सर। नहीं देखा होगा। मल्टीमीटर देखा है? ये एक्चुअल में मल्टीमीटर का कॉन्सेप्ट है। नहीं देखा? अरे वो इलेक्ट्रीशियन यूज नहीं करते क्या? ऐसे ऐसे होता है और उसमें जो है एक अर्थिंग लगी रहती है और एक वो रेड वायर निकालते हैं। ये एक्चुअल में उसी का कॉन्सेप्ट है। उसमें देखा होगा आप हर चीज मेजर कर सकते हो, तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, उसी में ये यूज होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, कैन बी कंसिडर्ड कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर सर्किट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, आप मैं ना आपको सिर्फ इसमें इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, बाकी आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं देखते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन थोड़ी बड़ी बन जाती है, ढंग से समझना। वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ वोल्ट मीटर दैट कैन मेजर 2 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 200 वोल्ट। अगर आप ढंग से देखोगे तो जो मल्टीमीटर होता है उसमें लिखा रहता है कि ये मेजर कर सकता है 0 से लेके 2 वोल्ट तक, 20 वोल्ट तक, 200 वोल्ट तक, पर रेंज लिखी रहती है। तो ये मेजर कर सकता है, इस वोल्ट मीटर कैन मेजर 2 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 200 वोल्ट यूजिंग द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। ये देखिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है 100 ओम का, और इसमें क्या दे रखा है, इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पियर। अगर गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करे तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा देगा। पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3 दैट कैन बी यूज्ड। R1, R2, R3 बताओ कि जो मैं यूज कर सकता हूँ। देखिए ध्यान से समझना कि करेंगे कैसे। ये टर्मिनल है A, B, C, D। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपने इसको अर्थिंग कर दी, ए पे अर्थिंग कर दी और बी पे 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 वोल्ट अप्लाई किया तो आप ऐसे सोचो कि मैंने अभी आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर के अगर आप सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओ, जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अब इस केस में बताएगा कोई ए और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है? R1 लगा हुआ है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है? क्या एक वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है? यस सर। कर रहा है वोल्ट मीटर की तरह काम। यहाँ पे अर्थिंग लगा दी और यहाँ पे आपने 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दी। तो गैल्वेनोमीटर ना सडनली क्या दिखाएगा आपको, 2 वोल्ट की तरह। आप ऐसा सोचो कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये एक तरीके से एक वोल्ट मीटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, जिसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 2 वोल्ट की, 0 से 2 वोल्ट की। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो कि कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कितना रेजिस्टेंस मुझे लगाना पड़ेगा, क्या निकाला जा सकता है? हाँ निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपने 0 से 2 वोल्ट अप्लाई किया तो बोला है कितना रेजिस्टेंस लगाऊं कि इसमें कितना करंट फ्लो करे, आईजी, ये पूछा है एक्चुअल में। क्योंकि ध्यान से समझना, अगर आईजी करंट फ्लो करेगा तो इसका जो ये जो गैल्वेनोमीटर इसका पॉइंटर कहां पे जाके रुकेगा, सबसे लास्ट वाले पे। अरे समझ में आया क्या 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 बोलने की कोशिश कर रहा हूं?
यस सर। अगर आपने 2 वोल्ट अप्लाई किया, ध्यान से समझना, 2 वोल्ट अप्लाई किया तो इसमें जाना चाहिए कितना करंट? आईजी। लेकिन आपको लगाना है कि ये आईजी कब फ्लो करेगा, आपको रेजिस्टेंस बताना पड़ेगा यहाँ पे, कितना रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये R1 निकालना है आपको, ठीक है ना। तो अगर आपने 2 वोल्ट अप्लाई किया तो इस सर्किट में कितना फ्लो करेगा? आईजी करंट फ्लो करेगा। आईजी फ्लो करेगा तो इसका जो पॉइंटर है वो कहाँ पहुंच जाएगा? सबसे लास्ट वाले पे पहुंच जाएगा, लास्ट वाले पे। और लास्ट वाले पे आप क्या लिख देना? 2 वोल्ट, बस और कुछ नहीं। ये बिल्कुल वही चीज है, बस और कुछ नहीं। तो आपसे पूछा है कि बताओ कितना R1 लगाऊं, R1 कितना होगा, कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आप, कितना होगा बताओ? आईजी को अगर आपने R1 प्लस 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको 2 दिखा देगा। एक्चुअल में ये इक्वेशन दे रखी है, बात आ गई समझ में? यस सर। रेंज बढ़ा रहे हो बस आप, और कुछ नहीं है। रेंज अभी, जैसे अभी रेंज कितनी है? अगर आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, R1 नहीं लगाया, ध्यान देना, R1 आपने लगा ही नहीं रखा, इसको आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो वोल्ट मीटर की तरह, तो इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 10 × 10⁻³ वोल्ट। तो ये कितना मेजर कर सकता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है? 0.01 वोल्ट। रेंज बढ़ाने के लिए, रेंज करनी है 2 वोल्ट तक, क्या करना पड़ेगा? सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, R1 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने R1 लगाया, कितना R1 आ रहा है? देखिए R1 कितना रहा है, R1 प्लस 10 कितना है? 2000। R1 कितना आ गया? 1990 ओम। इतना रेजिस्टेंस अगर आप लगा देते हो और 2 वोल्ट अप्लाई करोगे, और आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया गैल्वेनोमीटर की किसमें, क्या बोलते हैं, स्केल में, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया G+R से, तो जो सबसे लास्ट वाला जो आएगा रीडिंग आएगी वो कितनी होगी? 2 वोल्ट आ जाएगी। तो झट से जो पॉइंटर है कहां पे रुकेगा? 2 वोल्ट पे रुकेगा, और ये 2 वोल्ट मेजर करके दे देगा, बस और कुछ नहीं। बात समझ में आई? आया क्या समझ में? अच्छा, अब सोचो ये R1 आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी थोड़ा सा रेंज और बढ़ जाए, तो रेंज बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा R2, ताकि रेंज कितनी हो जाए? 20। तो अगर आप A और C के बीच में यूज करते हो तो सर्किट देखिए आप कैसा बनेगा, देखिए ऐसा। A और C के बीच में अगर आप यूज करोगे, R1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है, R1 की वैल्यू बाद में डाल दूंगा। तो R1, R2, आप रेंज बढ़ाना चाहते हो, मैंने आपको बताया था रेंज बढ़ाने के लिए क्या करता हूं, और ज्यादा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में, और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो पहले से R1 लगा हुआ था, R2 और लगा दिया, तो जैसे ही आपने रेंज बढ़ाई, अब आप क्या चाहते हो, जैसे ही आप 20 वोल्ट अप्लाई करो तो इसमें कितना फ्लो करे? आईजी फ्लो करे। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? तो आप इक्वेशन बनेगी, आप क्या बोलोगे? 20 = IG 10 + R1 + R2, ये इक्वेशन बन गई, बस और कुछ नहीं। आईजी पता है आपको कितना है? 10⁻³ दिया हुआ है ऑलरेडी, 10। R1 निकाल लिया 1990 ओम, तो यहां से R2 निकल जाएगा, कितना आया देखिए, 20,000 प्लस R2, कितना आया R2? 18,000 ओम। तो अगर आपने R1 के सीरीज में एक 18,000 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिया, तो अभी ये पूरा को पूरा जो अगर आप इसे 0 से A और C के बीच में अगर आप यूज करते हो, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये अब एक वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा, जिसकी रेंज होगी 0 से 20 वोल्ट। ए और बी के बीच में यूज करोगे तो ये 0 से 2 वोल्ट के बीच में ही मेजर कर पाएगा, लेकिन अगर ए और सी के बीच में यूज करते हो तो आपको पता चलता है इसकी रेंज और बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई। बट करना क्या पड़ा आपको? R2 लगाना पड़ा सीरीज में। तो देख रहे हो ये मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, आप देखो एक ही चीज से, एक ही
सर्किट से आप रेंज बढ़ाते जा रहे हो। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। अब वो तीसरा बोल रहा है कि और रेंज बढ़ानी है, कितनी करनी है? 200 वोल्ट। ये 0 से 200 वोल्ट तक मेजर कर पाए, तो क्या करना पड़ेगा? और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो गया, आप देखिए, ये अर्थिंग, गैल्वेनोमीटर, R1, R2, R3। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर चेंज करने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप आर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? रेंज भी बढ़ेगी, तो रेंज अब 20 नहीं रही, 0 से लेके 200 वोल्ट तक रही। R1, R2, R3, और जैसे ही आप इसको में 200 वोल्ट अप्लाई करोगे तो इसमें जाएगा IG। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी आपकी 200 इज इक्वल टू IG R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 इज अगेन कितना था? R1 10 था, 100 था, 1990, मैंने 10 ऐड नहीं किया ना, 10 ऐड नहीं किया है। ये 10 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 10 1990, 18,000। R2 R3 आपको निकालना है, तो ये भी निकल जाएगा, कितना हो गया? ये 20 लाख हो गया, और ये कितना हो गया? ये लगभग हो जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 आपका R3 निकल जाएगा। कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि रेंज और बढ़ जाए? ये वही क्वेश्चन है एक्चुअल में, जो मैंने आपको अभी पहले ही जो करवाए हैं वही क्वेश्चन है। रेंज बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। R3 बताएगा कोई कितना आ रहा है? बीस लाख है ना, कितना आ रहा है बताएगा कोई? कितना आ रहा है? यस 1,80,000, हाँ, 1,80,000। टेन थाउजेंड180,000। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 9,990, 18, ये गलत होगा, एक ऑप्शन जो है मैंने गलत लगा रखा है। ठीक है, 1,80,000 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए, क्योंकि रेंज बढ़ा रहे हो तो और रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है मल्टी रेंज जो है वोल्ट मीटर बना सकते हो आप, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बस टर्मिनल्स बना दिए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, A B C, तो जिन टर्मिनल्स के बीच में यूज करोगे, एक तो फिक्स है अर्थिंग वाला, अगर आपको याद होगा, जो एमीटर होता है, मल्टी एमीटर होता है ना, मल्टीमीटर होता है, तो मल्टीमीटर में अर्थिंग जो है ना फिक्स रहती है, तो अर्थिंग को तो लगाना ही पड़ता है। बाकी वो जो टर्मिनल है, जो ब्लैक वाला टर्मिनल होता है वो फिक्स रहता है, वो अर्थिंग के लिए, और बाकी टर्मिनल्स क्या होते हैं आपको अलग अलग, रेड वाला अलग अलग जगह लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। चलिए ठीक है, आज के लिए काफी है। ठीक है।
5 बजे स्टार्ट करेंगे जी की क्लास, ठीक है? चलिए, ओके।